तो काबुल 120 થી વધારે ભારતીયોને લઈને ભારતીય વાયુસેનાનું C-17 વિમાન આખરે સહી સલામત રીતે ભારત પહોંચી ગયું છે. જામનગર એરબેઝ પર વાયુસેનાના એરક્રાફ્ટે લેન્ડ કર્યા બાદ તે ગાઝિયાબાદ માટે રવાના થયું. સ્થાનિક તંત્રએ કાબુલથી પરત ફરેલા આ ભારતીયોનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું અને તેમના માટે ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરી હતી. જામનગર એરબેઝ પર ભારતીયોના પગ પડ્યા બાદ તેઓની આંખમાં હર્ષના આંસુ જોવા મળ્યા અને ભારત માતાની જયના ગગનભેદી नारा पण लाग्या. भारत माता की जय. મહત્વનું છે કે અફઘાનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા માટેના મિશનનું પીએમ મોદી સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે અને તેમના પ્રયાસોથી જ આજે 120 ભારતીયોને લઈને વાયુસેનાનું C-17 એરક્રાફ્ટ આજે સવારે કાબુલથી રવાના થયું અને સુરક્ષિત રીતે ભારત પહોંચ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ 120 ભારતીયો પૈકી અધિકાંશ અફઘાનિસ્તાન સ્થિત ભારત સરકારી કર્મચારીઓ અને ભારત સરકારના વિવિધ પ્રોજેક્ટમાં કામ કરનારા પણ છે. मैं अनूप गुप्ता भारत. रेडी ओके. मैं अनूप कुमार गुप्ता भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक कमांडो हूँ. जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय दूतावास काबुल और अफगानिस्तान में दूसरे कॉन्सुलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP के चुने हुए कमांडो को सौंपी गई है और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम उस ड्यूटी अपनी सौंपे गए ड्यूटी में जो हमारी कर्तव्य था उसमें 100% सफल हुए हैं. इस समय सिचुएशन जो काबुल की है बहुत ही भयंकर थी. परिस्थितियां जो कि बयान नहीं की जा सकती है, लेकिन ITBP के कमांडो ने अपने कमांडिंग ऑफिसर श्री रविकांत गौतम जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा किया. वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बन रखी थी कि कभी भी डिप्लोमेट के ऊपर अटैक, कैंप अटैक और कन्वाई अटैक हो सकता था. हमें बहुत ही कम समय मिला, लेकिन हम उस कम समय में भी अपने CO के नेतृत्व में अच्छी प्लानिंग किया और सही सलामत हर एक डिप्लोमेट इंडियन को हमने एयरपोर्ट तक जर्नी करके आ रहे हैं. मैं आता हूँ उस पॉइंट पे. तो जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने सही सलामत हर एक डिप्लोमेट जो भी भारतीय दूतावास में थे, जो भी वहाँ पे इंडियन मौजूद थे, उनको हमने सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुँचाया, फर्दर यहाँ पे इंडिया तक आए वहाँ पे. तो ये ITBP के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सही सलामत लाना बिना किसी क्षति के लाना. जबकि सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि जो परिस्थितियाँ वहाँ पे थी, परिस्थितियाँ बहुत ही भयानक थी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते. हम वहाँ पे दो चरणों में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाले थे. वहाँ पे 15 तारीख को हमने एक किया, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट भी होने के चांसेस थे जब हम सेकेंड कार्रवाई में आ रहे थे, लेकिन हमारी सूझबूझ की वजह से हमने कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी और हम बैक आए. रेस्क्यू में आज अफगान काबुल से जो भारतीय यात्रियों को इवैक्यूएट करके एयरफोर्स के विमान ने 170 से 80 जो भारतीय नागरिक हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया है. ऑन द वे टू दिल्ली विमान यहाँ रुका था जामनगर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से, प्रशासन की ओर से हम लोगों ने सबका स्वागत किया है और सभी यात्रियों ने भारत पहुँच के जो है शांति की सांस ली.